साइटेड सबनेट्स में आपने एक और जिस बात का ख्याल रखना है वो आपने जो है जो लिंक्स हैं बिटवीन टू साइट्स, जैसे सपोज आपके पास दो लिंक्स दो साइट हैं और दोनों साइट के पास आपके दो लिंक हैं, लेट्स सपोज दो वैन लिंक हैं, एक स्लो है और एक फास्ट है, तो आपने यहाँ पर आके जो है न्यू साइट लिंक क्रिएट करना है उसे, और फिर उसको आपने कॉस्ट देनी है, और जो आपका नेट का कनेक्शन बिटवीन टू साइट फास्ट होगा आपने उसकी कॉस्ट जो है लो रखनी है, और जिसकी कॉस्ट जो है लेट्स सपोज जिसकी स्पीड कम है उसकी कॉस्ट आपने कम रखनी है। और एक और बात जो है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने जो रेप्लिकेशन बिटवीन टू साइट्स हैं इसको आपने मिनिमम रखना है, इससे क्या होगा कि लेट्स सपोज आपने एक आपकी दो साइट है, एक यूएई की साइट है और दूसरी जो है यूएसए की साइट है, लेट्स सपोज यूएसए की यूएई की साइट में आपने एक यूज़र क्रिएट किया है लेकिन उसका यूज़र जो है फॉर द टाइम बीइंग वो यूएसए के अंदर है, तो जब तक और हाँ वो यूज़र लॉगिन होना चाहता है जो आपने नया यूज़र क्रिएट किया है, तो जब तक बिटवीन टू डोमेन कंट्रोलर रिप्लिकेशन नहीं होगी जो कि इस डिफ़ॉल्ट 180 मिनट है, अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा कि वो यूज़र लॉगिन नहीं हो सकता। इसी तरह लेट्स सपोज आपने साइट टू जो है जो कि यूएसए में है वहाँ पे आपने एक यूज़र क्रिएट किया है और वहाँ पे उसने आपने उसके लिए मेल बॉक्स वगैरह सब कुछ क्रिएट कर दिया है और यूज़र लॉगिन हो रहा है, लेकिन लेट्स सपोज एप्लीकेशन बिटवीन टू डोमेन कंट्रोलर नहीं हुई, बिटवीन टू साइट नहीं हुई, तो जब मेल जाएगी तो वो वापस बाउंस हो जाएगी या कोई आपको और मसला आ सकता है, तो आपने इस एप्लीकेशन का जो है टाइम इंटरवल जिसको कम कर दें, या डिपेंड करता है कि मतलब आपकी जो टोपोलॉजी है उसको भी उसके हिसाब से आपने जो है अपनी साइट एंड सर्विस को भी कॉन्फ़िगर करना है, अपनी आईपी सबनेट लिंक और डिफॉल्ट साइट लिंक को भी कॉन्फ़िगर करना है।